लेम्बोर्गिनी पे थोड़ा सा डेंट भी आ गया था आप लोगों के वजह से। इस वीडियो से पहले मतलब नथन की जो सिस्टर है ना जुना दीदी, उन्होंने बोला था कि थोड़ा सा उनको क्रेडिट चाहिए क्योंकि ये यार हमरा लिरिक्स से भूल गेलम, हमरा लिरिक्स से भूल गेलम। वाओ, जीसस क्राइस्ट का जन्म इधर में हुआ था यहाँ पे। नथन का बर्थडे कल है, बट पता नहीं ये व्लॉग देखेगा तो पागल हो जाएगा। हाँ वो तो होगा, उसे पता नहीं। So, hey guys, welcome back to my another vlog. And कैसे हैं आप लोग? पिछले वाले vlog में response इतना अच्छा था, thank you so much for that. And आज है Christmas, so Merry Christmas to all of you. And आज 6 बजे का plan है, हम लोग जाने वाले नाथान के घर पे, जो बॉडी बिल्डर आप लोग ने देखा था तो उसके घर पे हम लोग जाने वाले हैं. And जाके देखते हैं पहले। मैं तो वो बोला कि तू आ जा 6 बजे, मैं सोचा हूँ कि कौन कौन जाने वाला है क्योंकि किशानू भी यहाँ पे है नहीं, अभिषेक अपना दुकान से निकल नहीं सकता है, ज्योति इज़ एन ऑप्शन बट उसको मैं पूछ के देखूँगा, अगर वो फ्री होगा तो उसके साथ निकल जाएंगे। एंड या मेरी क्रिसमस टू यू ऑल अगेन एंड उसके बाद बोल रहा था कि आप लोग इनको इग्नोर करो, मुझे से सेलिब्रिटी जहाँ पे जाते भीड़ वैसे भी हमरा लिरिक्स से भूले गेलम, हमरा लिरिक्स से भूले गेलम। तो सेलिब्रिटी होना भी बहुत टफ है गाइस, मैं घर से निकल नहीं सकता, लोग सेल्फी वीडियोस के लिए जिद करते। मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि हमरा लिरिक्स से भूले गेलम, हमरा लिरिक्स। तो मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि ऐसा मत करो गाइस, बहुत बड़ा सीन हो जाता है। कल मेरा लेम्बोर्गिनी पे थोड़ा सा डेंट भी आ गया था आप लोगों की वजह से, इतना भीड़ भाड़ मत किया करो यार। हमरा लिरिक्स से भूल गेलम, हमरा लिरिक्स से भूल गेलम। तो मेरा एक न्यू सॉन्ग भी आ रहा है, कुछ दिन बाद ही अपलोड हो जाएगा, वो आप मत देखना क्योंकि आप लोग भूल जाओगे वो देखोगे तो। हमरा लिरिक्स से भूल गेलम, हमरा लिरिक्स से भूल गेलम। तो मैं बोल रहा था कि ऐसे भीड़ भाड़ इलाके में मेरे साथ मत मिला करो, मैं इंस्टाग्राम में अपडेट दे दूंगा जब मैं पब्लिक मीटअप करूंगा, और वरना मेरे लेम्बोर्गिनी पे भाई 2 लाख का डेंट आया है। अच्छा तो वो मैं रिपेयर करने आज जा रहा हूँ दुबई, दुबई इसको फिर से एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं जाता हूँ, कुछ दिन टाइम लग जाएगा गाइस, तब तक आप वीडियो को लाइक कर देना और इसके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेचारा नल्ला है। गाइस फाइनली आई एम रेडी एंड मार्क्स क्यू, बिकॉज सुनने मिला है कि कोविड का केसेस बढ़ रहा है, बट स्टिल तो या दिस इज माई आउटफिट फॉर टुडे। एंड या अभी निकलते हैं पहले, एंड नथान से डायरेक्ट आपको वहाँ पे ही मिलते हैं। सो हे गाइस, फाइनली हम लोग पहुँच गए, हम लोग नहीं सॉरी मैं पहुँच गया हूँ नथान के घर में, एंड वो बंदा भाग रहा है। अरे तुम रेडियो क्या आ रहे हो क्या? हाँ अच्छा अच्छा, तो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ द वे ही डेकोरेटेड हिज हाउस, एंड यू एस यू कैन सी यहाँ पे पूरा क्रिसमस ट्री बनाया गया है। माय गॉड अच्छा दिख रहा है, वेट लेट मी फोकस। सो अभी नथान रेडी होने वाला है, एंड इसी के साथ हम लोग भी थोड़ा वेट कर लेंगे थोड़ा सा घूमने। हाँ चर्च में इतना भीड़ है पता है, पता है बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं कभी भी इस तरफ मतलब आया नहीं हूँ, बट या अच्छा लग रहा है आके। एंड इसी के साथ आप लोग भी देखते रहिए। डेकोरेशन कैसा लगा? डेकोरेशन मेरे को बहुत अच्छा लगा, सही लगा ना? हाँ बहुत अच्छा, बट कभी शिलोंग आना। पर एक चीज बोलूं, इस वीडियो से पहले मतलब नथन की जो सिस्टर है ना जुना दीदी, उन्होंने बोला था कि थोड़ा सा उनको क्रेडिट चाहिए क्योंकि ये वाला सिर्फ उन्होंने ही बनाया। ओके ओके, वे शी उनसे मिलवाऊंगा उधर। ओके ओके दीदी, ओके अच्छा बहुत थोड़ा सा अंदर गए थोड़ा सा ड्रेस चेंज करने। सो गाइस द क्रेडिट गोज टू जुना दीदी, ये वाला किया नथन भैया और उनकी मम्मी ने। ओके सो आगे जाके चेक करते हैं। ओह माय गॉड, ये है ट्रिम नेटिव, मतलब जीसस क्राइस्ट का जन्म इधर में हुआ था यहाँ पे। ओके हाँ, बेतलहम में जो चरनी था, मतलब जो क्या कहते हैं जहाँ पे गाय भैंस इन सबको रखते हैं ना। ओके ओके, तो इस जगह में उनका रात को जन्म हुआ था। okay. उसी का एक दृश्य है ये, जिसे हम बहुत सुंदर बनाया है, हिंदी में चरणी का दृश्य बोलते हैं, और चरणी का दृश्य, चरणी का दृश्य इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिब नेटिव। ट्रिब नेटिव, ओके ओके यस, मैंने सुना था। बट शिलोंग में भी पता है, शिलोंग मैं तो शिलोंग से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे लाइक एशिया का 8th-7th बिगेस्ट वो है चर्च। और यहाँ पे भी ये नथन का काम है, मतलब नथन और उनकी मम्मी का काम है। ओके ओके, नॉर्मल जो मतलब
पेड़ की जो टहनियां है ना, सूखी टहनियां, वो सब मैं डेकोरेट करके ये सब बनाया है। ओके ओके, एक्साइटिंग एंड सरप्राइजिंग न्यूज मिला मेरे को इस भाई से कि नतान का बर्थडे कल है, बट मुझे लिटरली पता नहीं था एंड नतान तो बोलता भी नहीं है, बट थैंक यू सो मच। शर्माता है यार, बहुत बहुत ज्यादा बर्थडे प्लस कैमरा से भी जो ये शर्माता है ना। सो हाँ, कल तो कुछ मतलब कंटेंट, कल ये व्लॉग एंड क्रिसमस प्लस बर्थडे दोनों का एक साथ है मिशन। एंड अभी जाते हैं, जो सरप्राइज देंगे ना वो भी तो बता दो। हाँ, ये वाला जो गाइस उसका क्रेजी क्रेजी फोटो एक एक करके थोड़ा पब्लिक को दिखा दे थोड़ा। नतान ये व्लॉग देखेगा तो पागल हो जाएगा। हाँ वो तो होगा, उसे पता नहीं है। कुछ कुछ दिखा दो, सिर्फ कुछ दिखा दो, कुछ कुछ दिखा दे दो। ये देखो ये वाला एक है, ये वाला दूसरा है, थोड़ा सा फनी वनी टाइप का जो जो फोटोज है ना वो सब मैंने रखा है। ये वाला तीसरा बॉडी दिखा रहा है। लाइक पता है ना गाइस कि बर्थडे में व्हाट्सएप में जो फोटो फैला होता था ये ट्रिप। हाँ, उसने मेरे को क्या बोला, मैं भी व्हाट्सएप में देने वाला था वीडियो बना के। हाँ। पर उसने मेरे को बोला कि मैं व्हाट्सएप उड़ा दूंगा, मैं व्हाट्सएप डिलीट कर दूंगा, मैं नहीं देखूंगा। मैंने सोचा कि उसको अगर नहीं देखना है, मैंने अगर इतनी मेहनत किया तो मैं उसके केक में ये सब साइड में डेकोरेट करके दे दूंगा। So, देखना तो पड़ेगा। अभी उसका बर्थडे है गाइस एंड फिलहाल वो आने वाला है, इसी वजह से इस वीडियो को इतने तक एंड करते हैं, आगे का सीन बाद में दिखाएंगे। या या श्योर श्योर। प्ले सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं चर्च पे एंड यहां पे इतना क्राउड होगा, वी विल मतलब वी डिडंट इवन इमेजिन, नॉट मी एक्चुअली, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है करीमगंज में क्रिसमस बनाते हुए। एंड एज यू नो मैं हर साल शिलोंग में बनाता था, बट यहाँ पे कुछ अलग ही क्रेज है, सब पब्लिक आ रहे देख रहे। वेट लेट मी शो यू कि कैसा वहाँ का मतलब कितना क्राउड है यहाँ पे। सो एज यू कैन सी यहाँ पे पूरा भीड़ लगा हुआ है। सो नतान इज हैंडसम बॉय एंड हिज ब्रदर एंड यहाँ पे पूरा भीड़ लगा हुआ है एंड चर्च के अंदर तो शायद जा भी नहीं पाए इतना भीड़ है। तो थोड़ा सिनेमेटिक शॉट तब तक आप लोग देख लीजिए एंड एंजॉय करिए व्लॉग को। गुड मॉर्निंग एंड अगेन रेडी हो चुका हूँ एंड या नतान का एज यू नो कि नतान का आज बर्थडे है, बट अनफॉर्चुनेटली आज इतना बारिश दे रहा है गंदे तरीके से। ये देखिए बाहर का वेदर पूरा बारिश हो रखा है एंड अभी जाना है, बट स्टिल जाना है क्योंकि सब कुछ प्रिपेयर्ड है, जब तो निकल ही जाते हैं एंड या वहाँ पे जाके आपको डायरेक्ट मिलते हैं। अभी मैं जाने वाला हूँ बादशाह बोल के एक क्या बोलते बेकरी है, तो वहाँ पे जाने वाला हूँ। वहाँ पे और एक भाई वेट कर रहे हैं एंड वहाँ से हम लोग डायरेक्ट जाने वाले नतान के घर पे एंड यू कैन सी द चेंजेस। एंड इसी के साथ या पहले जाते हैं, कमेंट करना प्लीज हाउ डू आई लुक बोल के। एक्चुअली और एक लड़का आया हुआ है, उसका नाम क्या था सुभाषी? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ के पास एक्चुअली केक वगैरह सब कुछ उसके हाथ पे और वो टुक टुक से थोड़ा आगे गया है, बट हम लोग को पता नहीं अभी लाइक वो टुक टुक कहाँ है एक्चुअली। साथ घर मालूम नहीं है ना। हाँ तो उसको दिखा कर देना पड़ेगा। ओके तो इसी के साथ उसको फॉलो फॉलो करके जाना पड़ेगा अभी। तो यहाँ पहले जाते हैं, आप लोग भी देखते रहिए अपना ब्लॉग को। सो देयर इज सिद्धार्थ। सिद्धार्थ से हाई टू द ब्लॉग। Break. ना दीदी खाओ ना। नहीं
फिर ऐसे नहीं लिखा और फोटो क्यों चेंज वो तो बैक कैमरा और बोल बोल और पर नहीं हैप्पी बर्थडे बाकी मैं कब से হাত দুটো কত একটু সে মারতো এখানে দেখি কত স্ট্রং ডুড এটা কি ও এটার সাথে দিয়েছে মাই গড কেন চাপ দিও না খাওয়া নি জয় দিকে খাইয়ে দেবো দেখে খাওয়া নি।